अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात करेंगे डीएपी और एमएपी के बारे में कि दोनों खादों में फर्क क्या है, दोनों की खसूसियात क्या हैं और दोनों खादों को किस जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोज भी वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि दोनों खादों में फर्क क्या है। तो जो एमएपी है इसका मतलब है मोनो अमोनियम फास्फेट और डीएपी का मतलब है डाई अमोनियम फास्फेट। दोनों खादों में ही नाइट्रोजन और फास्फोरस मौजूद होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अहम है। जहां पर भी पौधे को फास्फोरस और नाइट्रोजन दस्तियाब होंगी तो पौधे की बढ़ोतरी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो डीएपी और एमओपी में दोनों में ही नाइट्रोजन और फास्फोरस मौजूद होती हैं तो इनके इस्तेमाल से पौधे की बढ़ोतरी बहुत बेहतर हो जाती है। फास्फोरस की वजह से पौधे की जड़ें मजबूत बनती हैं, जड़ें लंबी होती हैं और पौधे को अच्छी बुनियाद फराहम करती हैं। जबकि जो नाइट्रोजन है उसकी वजह से पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, पौधा अच्छा कद करता है। अब डीएपी में 50 किलो के बैग में 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन मौजूद होती है, जबकि एमएपी में 50% फास्फोरस और 10% नाइट्रोजन मौजूद होती है। अगर फर्क की बात करें तो एमएपी में डीएपी की निस्बत नाइट्रोजन की मिकदार कम होती है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क फास्फोरस की मिकदार का है। फास्फोरस एमएपी में ज्यादा होती है बनिस्बत डीएपी के। और इससे भी बड़ा फर्क यह है कि दोनों की असासियत में फर्क है, दोनों की पीएच मुख्तलिफ होती है। जो डीएपी है इसकी पीएच ज्यादा होती है जबकि जो एमएपी है उसकी पीएच कम होती है। एमएपी डीएपी की निस्बत तेजाबियत में ज्यादा बेहतर होती है। इस पीएच के फर्क की वजह से एमएपी के अंदर जो मौजूद फास्फोरस है उसकी दस्तियाबी पौधे को ज्यादा बेहतर तरीके से होती है, जबकि जो डीएपी के अंदर मौजूद फास्फोरस है उसकी दस्तियाबी पौधे को कम होती है, क्योंकि तेजाबियत की फर्क की वजह से जो डीएपी के अंदर मौजूद फास्फोरस है वो जमीन के साथ जल्दी बॉन्ड बना लेती है, जबकि जो एमएपी की तेजाबियत ज्यादा होने की वजह से इसका बॉन्ड देर से बनता है और ये देर तक पौधे को दस्तयाब रहती है। अब जहां पर हम एमएपी इस्तेमाल करते हैं उसका दूसरा फायदा यह भी होता है कि इसकी तेजाबियत की वजह से दूसरी खादें भी पौधे को दस्तयाब रहती हैं। जो खादें जमीन के साथ जुड़ चुकी होती हैं वो भी पौधे को दोबारा से दस्तयाब होना शुरू हो जाती हैं, जबकि डीएपी के इस्तेमाल की वजह से बहुत सारी खादें और भी पौधे की पहुंच से दूर हो जाती हैं और जमीन के साथ जुड़ जाती हैं। तो अब दोनों खादों में से कौन सी खाद किस रकबे के लिए ज्यादा बेहतर रहेगी? जो एमएपी है इसकी पीएच 3.5 से 4 तक होती है, जबकि जो डीएपी है इसकी पीएच 7.5 तक होती है। तो ऐसे रकबे जो कलराटे हैं जहां पर जरखेजी कम है, जमीन चिकनी है या पीएच बहुत ज्यादा है, तो ऐसे रकबों में तेजाबी खादों का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर रहता है। तो ऐसे रकबों में एमएपी का इस्तेमाल ज्यादा अच्छा होगा, उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा। जबकि जो ऐसे रकबे जो जरखेज हैं जहां पर पीएच का मसला भी ज्यादा नहीं है, तो ऐसे रकबों में डीएपी का इस्तेमाल बेहतर रहेगा। जरखेज रकबों में डीएपी और एमएपी दोनों ही बेहतर रिजल्ट देती हैं, लेकिन जो एमएपी है उसका रेट ज्यादा है, मार्केट में अवेलेबिलिटी कम है, जिसकी वजह से डीएपी का इस्तेमाल कम खर्च और अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। इस्तेमाल से पहले इस बात को ध्यान में रखना इंतहाई जरूरी है कि जो एमएपी है उसकी पीएच कम होने की वजह से उसकी पानी में हल पजीरी बहुत ज्यादा है, जबकि जो डीएपी है ये पानी में आहिस्ता आहिस्ता हल होती है। तो हल पजीरी ज्यादा होने की वजह से एमएपी का इस्तेमाल किस्तों में करना चाहिए। अगर आप इसको किस्तों में इस्तेमाल करते हैं तो इसके बेहतर नतीजे मिलते हैं, यानी कि जमीन की तैयारी में आधे बैग का इस्तेमाल कर लें और जब पहला पानी लगाएं तो तब फिर आधे बैग का इस्तेमाल कर लें, तो इससे बेहतर नतीजे मिलेंगे। जबकि जो डीएपी है ये पौधे को 15 से 20 दिन में मुयसर आती है, तो इसका इस्तेमाल जमीन की तैयारी में ही ज्यादा बेहतर रहता है कि जब पौधे को जरूरत होगी उस वक्त तक ये एक्टिव होकर पौधे को मिलना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोज भी वक्त पर मिलती रहे। शुक्रिया।